अरे ऐसा धीमे धीमे काम करोगे तो कैसे चलेगा? ये क्या? अरे इसको तुमने अभी तक लेबल नहीं लगाया, जल्दी करो जल्दी करो। शाबाश, जल्दी करो। हाँ ओहो, जरा ठीक से तो लगाओ, ये देखो क्या है। अरे भाई खड़े खड़े क्या बात कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम कराओ ना, आज इस बैच का माल मुझे आज ही भिजवाना है। करा लोगे ना? अरे 5 बजे जाना है। बेफिक्र रहिए आप शर्मा जी, आज जल्दी को जा रहे हैं, कोई खास बात है? नहीं, मकान बदलना है ना, इसलिए मुझे जाना है। शर्मा जी आपको मेरे साथ बुलाते हैं। मैनेजर साहब बुलाते हैं जी? तुम चलो, मैं आता हूँ। न जाने अब क्या मुसीबत आई है भैया, नए मैनेजर से मुझे बड़ा लगता है। क्यों? अरे मेरी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे कि मुझे पूरा निकल जाएंगे। अच्छा भैया देख लेना, मैं जाता हूँ। शर्मा जी जरा सुनिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, ये क्या बात है शर्मा जी? जी जरा इधर आइए। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो बहुत बड़ी हुई है शर्मा जी, खैर कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो उसे सुधार सकते हैं। पहले मुझे ये तो बताइए मुझसे क्या गलती हुई है, वैसे ही मेरी जान सूखी जा रही है। मैनेजर साहब ने इसीलिए बुलाया क्या? नहीं नहीं, उन्होंने किस लिए बुलाया वो नहीं मैं जानता, मैं तो कुछ और ही कहना चाहता था आपसे। क्या? आप अपनी यूनियन के मेंबर क्यों नहीं बने अभी तक? क्यों? आपको छोड़कर बाकी सब वर्कर्स मेंबर बन चुके हैं, इसलिए आपको भी चाहिए कि फौरन मेंबर बन जाएं। क्यों? क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है, यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ। अब इस बुढ़ापे में मुझे ताकत वाकत की कोई जरूरत नहीं असिस्टेंट मैनेजर साहब, 35 साल मैंने इस कंपनी में नौकरी कर ली और थोड़े दिन कर लूंगा, अब मुझे यूनियन फिनियन से कोई सरोकार नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलती है आपकी शर्मा जी, सरोकार आपको है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह समझता हूं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सुनिए तो शर्मा जी, मैंने आपसे कह दिया ना मुझे माफ कर दीजिए, उधर मैनेजर साहब मेरी गर्दन नापने को बैठे हैं। क्यों भैया मारुति, सब ठीक ठाक है ना? अरे बिल्कुल ठीक ठाक है राम जी की कृपा से। हाँ मिजाज तो ठंडे है। अरे अब आप हमने मिजाज के बारे में कहा पूछा तो शर्मा बाबू। अरे भाई मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा, मैं साहब के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा तो हमारे साहब के बारे में पूछ रहा? अरे उनका मिजाज तो बिल्कुल चकाचक है गंगा का सब राम जी के पास। हाँ प्यासी की आवाज नहीं सुन रहा? अपने साहब की मिसी बाबा आई है ना, वही हंस रही है। अच्छा अच्छा साहब ने मुझे बुलाया था तो मैं। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कम इन। ये क्या है? मेरी एप्लीकेशन है। वो नहीं पूछ रहा हूं, ये दस्तखत कैसे करते हैं आप? जैसा नाम है वैसे दस्तखत करता हूं सर। क्या नाम है आपका? जी बीएम शर्मा। बीएम शर्मा? इम्पॉसिबल, पूरा नाम क्या है? ब्रजमोहन शर्मा सर। फनी। यही तो मेरा नाम है। जी हाँ मैं जानता हूं सर। तो क्या सर? पूरे का पूरा नाम आपने मेरे जैसा क्यों रखा है? ये नाम तो मेरे माँ बाप ने रखा है सर। रखा होगा, एक ही नाम के दो आदमी यहाँ नहीं रह सकते, आपको नाम बदलना पड़ेगा। अगर ये नाम मैं बदल दूं तो मुझे पहचानेगा कौन सर? कोई नहीं भी पहचानेगा आपको तो क्या फर्क पड़ेगा, एक मैनेजर एक सुपरवाइजर, किसी ने सुना है राजा भोज गंगू तेली का एक ही नाम था? अगर आप अपना नाम नहीं बदलेंगे तो आपको अपना काम बदलना पड़ेगा, समझे आप? नहीं नहीं सर, मैं नाम ही बदल दूंगा। कब? धीरे धीरे कोशिश करूंगा। धीरे धीरे क्यों, जल्दी जल्दी क्यों नहीं? पर हाँ वो तेहरान जाने वाला कंसाइनमेंट तैयार है? हो रहा है सर। हो रहा है क्या मतलब? आप काम बगैर किए घर छुट्टी जाना चाहते हैं? सर मेरा असिस्टेंट देख रहा है, घंटे दो घंटे में तैयार हो जाएगा। अगर सब काम आपका असिस्टेंट ही करेगा तो आपकी इस कंपनी में क्या जरूरत है? नहीं सर, आज घर बदलना है, बच्चे इंतजार करते होंगे। कितने बच्चे हैं? 7 बेटियां। 7? 7 लड़कियां? How funny. क्या उम्र है बड़ी लड़की? बस यही 20-21 साल की होगी। काफी बड़ी है, घर वो बदल सकती है। आप जाके माल बंधवाइए, आप उस वक्त तक घर नहीं जा सकते जब तक माल नहीं तैयार होगा। ले जाइए अपनी अर्जी।
कलाम माफ करना गुरु, तुमसे कितनी बार कहा है या तो इशारों में बात किया करो, नहीं तो गा के। जब तुम गाते हो तो कोई बात समझ में भी आती है, वरना क्या होता है तुम घटला के अटक जाते हो और सुनने वाला उब जाता है। कितने प्रोड्यूसर साइन करने आए और बैक पे मार के भाग कर बेहतर है अब मैं याद रखूंगा, बोलूंगा मैं गा करके। जाओ देखो ढूंढो दे दो मेरा कलम तुम ला करके, मेरा कलम तुम ला करके। बेहतर है रखा कहां था? रखा तो यही था है? नीचे गिरा था हाँ, फिर उठाया हाँ, कहीं बाहर गए थे यार? नहीं कोई बात नहीं, जूता खोलो। जूता को जूता खोलो संभालो। अनमोल कलम मेरे टैटी का कलम, मुझे बहुत ही प्यारा है। इसके बिना नहीं बनती कोई धुन, लिखा नहीं जाता नोटेशन। देखो कोने कभी ये न पाए, मेरी आंखों का तारा है। वाह ये खूब रही, चीजें इधर उधर रख के भूल जाओ तुम और चौकीदारी करो मैं। माना कि मैं सुन के चीजें ढूंढ लेता हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर वक्त हार लो। हेलो बजाओ। क्या दूर की सूझी है, क्या तर्ज बनाई है। अच्छा हाँ, ऐसी सुंदर धुन, ऐसी सुंदर धुन, जैसे अंधेरे में से निकलती सुबह की पहली किरण। हाय हाय ऐसी सुंदर धुन। कौन बेटा आ गया? बाबू कहीं का सारा मुंह चौपट कर दिया। पदरा देख लो, देख लेता हूं। अरे ये तो लड़कियां हैं अजनबी। लड़कियां मदद करूं, क्या मैं मदद करूं? थैंक यू। नंबर क्या है आपका, बोलिए अजी बोलिए। आप इस तरह गागा कर क्यों बात करते हैं? ये मेरी मजबूरी, गाकर अगर न बोलूं रह जाए बात अधूरी। अजी नंबर बोलिए। नंबर 29 दो माला। चलिए हाँ चलिए, अज चलिए हाँ चलिए, चाचा चलिए चलिए, अज चलिए।
आप कीजिए। क्या शक्ल बन गई है? लाइए मैं साफ कर देती हूँ। थैंक यू। लाइए मैं भी साफ कर देता हूँ। क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ, क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ, हुआ क्या सर के पास तो आते ही आता लगा है। चलो भाई कुछ ना कुछ तो लगा, कुछ तो लगा, आज तक कुछ ना लगा था मुझे, आज कुछ तो लगा, मन पागल हुआ, अरे रे पागल हुआ, पागल हुआ, पागल हुआ, अरे हाय पागल हुआ, पागल हुआ, पागल हुआ, अरे हाय पागल हुआ, पागल हुआ, पागल 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 पागल। एक मैं देख रही हूँ, देख कैसे कर रही मैं, किसी से कर ले मेरे को करना, लेकिन बाहर चल क्या है? चुपचाप सो जाओ, खबर तो कोई उठना नहीं। बड़ी देर कर दी बाबूजी। क्या करूं बेटा, जल्दी आने वाला था लेकिन मैनेजर साहब ने मुझे रोक दिया। अच्छा तुम लोग सब सामान वामान सब चीज लिया है ना, एरिया से आए जी? रे गा मा पा दा नी। अरे सब बच्चे सो गए जी? हाँ। खाना वाना तो खा लिया ना? हाँ खा लिया। अच्छा तो बेटा मुझे बड़ी भूख लगी, अब तुम जल्दी खाने की जल्दी जी। बाबूजी। अरे बाबूजी। अरे अरे तुम लोग सोए नहीं थे तो है? सब मिलकर के मुझे बेवकूफ बनाना चाह रहे थे और साथ इनका साथ दे रही थी ना। बाबूजी हमारे लिए कुछ लाए नहीं? लाया कैसे नहीं, ये देख क्या लाया हूँ। अच्छा बता आज खाना क्या खाया? अब तक तो कुछ नहीं खाया। क्यों? आज मेरे घर में आए ना इसलिए सब साथ खाएंगे, दीदी ने आज हलवा पूरी बनाया। अच्छा अरे वाह, तो मैं हाथ पैर धोकर के आता हूँ फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। डैडी से तो पूछना भूल ही गई, मैं स्कूल जा रही हूँ, बहुत मजा आता है। जल्दी आओ, किसी भी जगह में ट्रैफिक को रोक सकते हैं और फिर बाहर कैंप में भी जाते हैं। मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए चलना किसी बात नहीं, देखूंगी तुझे। हाथी का बच्चा किसका बोलता है? मैं तुझे बोलता हूँ हाथी का बच्चा। तुम्हें हाथी का और शराब पी का सारा दिन नाचता रहता है, सारा बरसता नीचे गिरता है। कौन नाचता है? तुम नाचते हो।
अरे रहने तो नहीं तो एक देता हूँ फिर आके क्या झावर देखो क्या सुनो आओ तुम अरे क्या तू समझेगा बाहर आपो पे लड़ दो ना और मेरा दरवाजा बंद कर देता ने खोलो 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 दरवाजा खोलो ऐसे बंद न रखो हमें खोलो खोलो दरवाजा खोलो ऐसे बंद न रखो हमें खोलो खोलो दरवाजा खोलो ऐसे बंद न रखो हमें खोलो खोलो दरवाजा खोलो ऐसे बंद न रखो हमें खोलो ये सब चीजें आपको कहां से मिली कहां से मिली अरे बड़ी मुश्किलों से ये सब चीजें इकट्ठी किया हमने बड़ी बड़ी नीलामियों में बड़ी बड़ी बोरियां लेके क्यों अच्छा तो आप करते क्या हैं हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं वन टू थ्री थ्री फोर हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं म्यूजिक को बहुत बनाया पर नाम ना हो पाया क्यों नाम है मेरा सुर मोहन ये तान बहादुर यार मेरा तहखार जोड़ीदार मेरा हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं आप लोग हंस क्यों रहे इसलिए कि हमारे नाम भी ऐसे ही म्यूजिकल हैं अच्छा जी हाँ हम सात बहने हैं ना इसलिए बाबूजी ने हमारे नाम सासुरों पे रखे हैं अरे सा ऊपर फ्लैट में है रेहू मैं वो है गा मा पा धा और नी वो सबके दरवाजे बंद करके बाहर अरे ये आ गई अरे अच्छा तो ये है मध्यम जी हाँ माँ जरा ऊंची मध्यम वो तो मैं पहले ही समझ गया अरे स्कूल को देर हो जाएगी ना चलो चलो मध्यम देर हो जाएगी हाँ चलो अरे मेरा पेन कहाँ माँ जरा ऊपर से तू पेन तो ले आना चलो अरे आइए इधर आइए पेन ये तो बहुत कीमती है मेरे पास बहुत है आप रखिए रखो थैंक यू मेंशन आठ अच्छा चलो अब गुरु पेन तो दे दिया तुमने ये नोटेशंस लिखोगे किससे गुरु ओ गुरु समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया क्या हुआ यही मैं सोच रहा हाँ अरे देता सब कुछ भी लुटा हाय हर्ज क्या होता भला माफ कीजिएगा मैं जरा जल्दी में था अरे भाई आप इतनी जल्दी में थे तो किसी पे गाड़ी चला दोगे देखे गाड़ी नहीं चला सॉरी भाई लाइसेंस वाइसेंस है क्या ऐसे ही गाड़ी चला रहे हो जी हाँ लाइसेंस है मेरे पास दिखा आप कौन होते हैं देखने पुलिस को बुला यार पुलिस को पुलिस को छोड़ो मैं इसको निपट लेता हूँ ओए मिस्टर क्या अपने आप को हिटलर समझते हैं आप लोग चाहते क्या आप क्या चाहते हैं ऐसे मनमाने ढंग से सड़क पे गाड़ी चलाएंगे ये जो इनको इतनी चोट आई है इतना नुकसान हुआ है ये सब कौन भरेगा कौन है इसका जिम्मेदार कौन है आप लोग इन्हें नाहक क्यों परेशान कर रहे हैं जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ नहीं नहीं आप जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं आपने इनकी गाड़ी को थोड़े ही गिराया है इनकी गाड़ी ने आपको गिराया है जी नहीं गलती मेरी थी आप लोग इन्हें जाने दीजिए चोट तो नहीं आई ना जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप लोग इन्हें जाने दीजिए जाने दे जा बच्ची तुम्हारी आप कहते हैं तो इन्हें जाने देते हैं वरना आज इनकी हम तबीयत साफ कर देते अरे चलो भाई चलो जब गाड़ी देख के किसी की तबीयत फिसल जाए तो हम क्या करते क्या कर सकते हैं लगता है काफी चोट आई है आपको चलिए मैं किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ ऐसी कोई बात नहीं मैं घर में जाकर सेक लूंगी ठीक हो जाएगा आपका घर कहाँ है चलिए गाड़ी में बैठिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ शुक्रिया मेरा घर पास ही में है आप तकल्लुफ कर रही हैं आइए ना जी नहीं थैंक यू वेरी मच सच्ची दीदी ऐसे
गाड़ी चलाने वालों को तो लोगों से पिटवाना ही चाहिए था, कम से कम कोई पुलिस से तो पकड़वाना चाहिए था। हाँ, फांसी पे नहीं चलाना था। चल भाग यहाँ से। क्यों? तुम लोग जब यहाँ मिलकर बैठते मुझे यहाँ से भगा देती हो। ए माँ, क्यों झगड़ा करती रहती हो? जाओ जाके पढ़ो। हाँ हाँ जाती हूँ। अच्छा दीदी, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी तो नहीं थी। और वो कैसा था? कौन? वही गाड़ी वाला। अच्छा शरीफ आदमी था। उम्र कितनी थी? क्या पता, 25-26 साल का होगा। दिखने में कैसा था? खूबसूरत था? मैंने इतनी गौर से थोड़ी देखा था। तब तो तुमने उसका नाम पता भी नहीं पूछा होगा। पता पूछ कर क्या करती? ओहो दीदी, तुम तो बिल्कुल वो हो, इतना अच्छा मौका हाथ से छोड़ दिया। मौका और क्या दीदी, तुम भी बहुत सीधी हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती मालूम है? तू क्या करती? मैं वही बीच आंसू में पड़ी रहती जैसे सचमुच मेरी टांग टूट गई हो, और फिर वो मुझे उठा के किसी अस्पताल ले जाना चाहता। फिर क्या, उसका आना जाना शुरू हो जाता। कभी मेरे लिए ये चीज लाता, कभी वो लाता, यूं ही जान पहचान बढ़ जाती। फिर मैं सोच कर देखती आदमी कैसा है, कितना अमीर है, उससे शादी की जा सकती है या नहीं। देखा दीदी, इसकी हर बात घूम फिर कर शादी पर ही आ जाती है। तो क्या हुआ, शादी तो आखिर एक दिन करनी है ना। क्यों दीदी? तुम अभी पढ़ती हो ना, तुम्हें ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सोचना? अरे दीदी, ये तो दिन रात शादी के सपने देखा करती है। मन ही मना जाने कितने एक्सीडेंट कर चुकी है। अब इनका तो भूत सवार है इस पर। मालूम है कितना झूठ बोलती है? क्या झूठ बोला मैंने? बोल, तुमने कहती सब लड़कियों से कि हमारे बाबू बुशरेडी के मैनेजर है। नए मैनेजर का नाम बीएम शर्मा है ना दीदी? बस इसकी बना है। स्कूल के सामने से जब भी अच्छी सी बड़ी सी कार निकलती है, मालूम है क्या कहती है? किसको कहेगी मेरे मामा की कार है, किसको कहेगी मेरे चाचा की कार है। हमेशा इस तरह बढ़ा चढ़ा कर ढील मारती रहती है। क्यों ना मारूं? हम गरीब हैं तो क्या इसी बात का दिन रात पीटा करें? आज न सही कल को अगर हमारी शादियां बड़े घरों में हो गई तो क्या हम अमीर नहीं हो जाएंगे? अब मैं तेरी बात बोलूं दीदी को? मैंने क्या किया? तू तो मुझसे पहले बाजी मार गई। वो अपने स्कूल के सामने वाला लड़का है ना लट्टू, तुझ पर? देखो बेकार की बातें मत करो। क्यों ना करूं? क्यों गा, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं दीदी। मैं बताओ दीदी, खपत आ रही। बात क्या है, तुम लोग स्कूल में जाकर यही सब क्या करती हो? नहीं दीदी, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, इसमें इसने थोड़ी कुछ किया। तो फिर पिछली बार जब अपने स्कूल में चैरिटी शो हुआ था ना, जब ही राधा बनी थी तभी की बात है। Thank you.
के रूप में नृत्य करने वाली छात्रा कुमारी गायत्री शर्मा को एक सज्जन ने यह स्वर्ण पदक दिया है। कुमारी गायत्री शर्मा, देखा कैसे बेचैन हुआ जाता है। चल गायत्री को ले आए। चलो चलो। ए गायत्री, यहाँ बैठी क्या कर रही है? चल बाहर आ। मैं नहीं जाती। ओ ओ, don't be so rude to him। चल उठ। एगा, चलना। नहीं। अरे बेचारा कब से खड़ा है तेरे लिए? मेरे लिए क्यों खड़ा होगा? तेरे लिए नहीं तो किसके लिए खड़ा होगा? प्रोग्राम का मेडल तो उसने ही दिया था। उसने दिया था? हाँ, उसी ने तो दिया था। अरे चल भी, नहीं तो रिसेस भी खत्म हो जाएगी। देख तो सही। लड़का वैसे बहुत सीधा है दीदी, काफी शर्मीला भी है। कुछ भी हो, तुम लोगों की अभी उम्र ही क्या है, तुम लोगों को ऐसी बातों पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बुरी बात है। लो, अगर तुमको कोई प्यार करे इसमें बुरी बात क्या है? बहुत बहस करने लगी हो क्यों? लगता है बापूजी आ गए। अच्छा देखो, मेरे एक्सीडेंट के बारे में उनको बिल्कुल नहीं बताना, वो ऐसे ही बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सुनेंगे तो ना जाने क्या। ठीक है, नहीं बोल पाए। गाड़ी तो ये भी अच्छी है, ये तो खटारा है। इस मॉडल की मेरे दिल्ली वाले अंकल के पास दो गाड़ियां हैं, दोनों गैराज में बंद पड़ी हैं, कोई यूज ही नहीं करता। दोनों गाड़ियां ऐसे बंद हैं? सब नई गाड़ियां चलाते हैं। पिछले ही महीने मेरे अंकल ने लेटेस्ट इंपाला ली है। इज इट? हाय, क्या गाड़ी है, एयर कंडीशन। रियली? वो देखो, वो खुली गाड़ी। वो? अरे वो तो मेरे मौसा जी की गाड़ी है। अच्छा अच्छा। अरे गाड़ी तो रुक गई। वो तुझे पहचानता है क्या? लो, पहचाने का क्यों नहीं, मेरा कजिन है। हाय। हेलो। अरे गंदी तो बच गई। देख देख, तेरी कजिन की गाड़ी। हाँ आइए आइए ना। देख तुझे बुला रहा है वो, जा ना। जाती हूँ। आइए बैठिए, रिलैक्स डार्लिंग। बाय बाय, चलिए। कहीं कहाँ ले चलूं आपको? कहीं नहीं, गाड़ी रोक दीजिए, मैं उतर जाऊंगी। अरे अरे, कहीं नहीं, कहाँ ले चलू? जहाँ आप कहेंगी वहीं पहुँचा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, दरअसल मुझसे धोखा हो गया, मैं समझी मेरे कजिन की गाड़ी, इसलिए चली आई। अच्छा अच्छा, तो आपके कजिन के पास भी ऐसी गाड़ी है? जी हाँ, एक तो बिल्कुल ऐसी ही है। ओ। वरना तो उनके पास में की कई कई गाड़ियां हैं। अच्छा अच्छा। और नहीं तो क्या, आप हमारे रिश्तेदारों को समझते क्या है, ऐसे वैसे लोग हैं क्या? गाड़ी रोकिए। अरे अरे, जहाँ आपके गाड़ी रुक देता हूँ वहाँ आगे रख दूँ क्या? रोकिए। ओके। आइए
सुनिए, आप भी मुझे ऐसा ऐसा लड़का मत समझिए, मैं भी अच्छे घराने से ताल्लुक रखता हूँ। वैसे आजकल लोग खाम खाम से नाराज है और हमारा नाम निशान मिटाने पर तुले हुए। वैसे आपने राजस्थान में छोटी सी रियासत का नाम सुना होगा, रामगढ़। मैं वहाँ का प्रिंस हूँ। जी हाँ, मेरा नाम है विजय प्रताप सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो फिर मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरा नाम है रेखा शर्मा, मेरे पिता मिस्टर बी एम शर्मा बुशेडो के मैनेजर हैं। वेरी गुड, देन वी कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स। वैसे और कोई ना रिश्ता सही, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो हो सकता है। आपको चॉकलेट पसंद है? पसंद है, अगर अच्छी हो तो। ये ठीक है, थैंक यू। सच मुझे तो आपकी गलत फहमी मेरे लिए बड़ी लकी साबित हुई। कैसे, वरना फिर आपसे मुलाकात कैसे होती? अच्छा तब मैं चलूं? अरे कमाल करती है आप, आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, इस बंगले के पीछे मेरा बंगला। अरे आप खाम खा तकल्लुफ करती है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए फिर आपसे कब मुलाकात होगी? थर्सडे को तो आपकी स्कूल बंद रहती है, मैं थर्सडे को ठीक 3 बजे यहीं पर आपका इंतजार करूंगा। आप आएंगी ना? मैं शायद। अरे शायद बात को मारिए गोली, अभी तो हमारी मुलाकात हुई, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। रिमेम्बर वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। देखिए मैं आपका इंतजार करूंगा, जरूर आइएगा। बाय बाय, सी यू। साला एक नंबर से मिस हो गया, नहीं तो पूरा 600। अरे देख देख, है ये तो वही मिस्टर एक्सीडेंट है। हाँ यार, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? चलो देखे। आओ देखे। क्यों भाई साहब, आज फिर किसी एक्सीडेंट की तलाश में घूम रहे हैं? जी नहीं, सुना है पुराने जमाने में मजनू हुआ करते थे। या ये तो मजनू से 2 जूतियां आगे हैं। भाई साहब ऐसे एक्सीडेंट रोज रोज नहीं हुआ करते। अरे एक बार मौका चूक गए तो चूक गए। अब आप लोग गलत समझ रहे हैं। तो हमेशा गलत समझते हैं, आप ही समझा दीजिए। अच्छा भाई साहब एक काम कीजिए। कहिए। ऐसा कीजिए कि ये बाना उतार कर जोगी बनकर यहाँ धोनी रवा दीजिए। अच्छा। और अब जब आपके चेले बन जाते हैं। फिर बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। सुनिए, नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? जी हाँ। शुक्र है। अच्छा आजकल आप वहाँ नहीं जाती क्या? कहाँ? वही सामान वगैरह खरीदने के लिए। जाती तो हूँ। कब? महीने में एक बार। ओहो, सिर्फ एक बार? जी, क्यों? नहीं मैं तो वहाँ रोज रुकता हूँ आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ, सोचता था संयोग से फिर मुलाकात हो जाए आपसे। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वो उस दिन की घटना के लिए माफी मांगना चाहता था। वो तो आप उसी दिन मांग चुके थे। नहीं नहीं, एक्चुअली जो कुछ कहना चाहता था वो तो कह नहीं सका था, दिल में एक अफसोस सा रह गया था। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल अफसोस नहीं करना चाहिए। ठीक है अब नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ कैसे आई हमारी फैक्ट्री में? आपकी फैक्ट्री है? नहीं नहीं, यहाँ का मैनेजमेंट हमारा है, मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अच्छा। हाँ तो आपने बताया नहीं। मैं अपने बाबूजी का खाना लेकर आई थी, वो अक्सर घर पर भुलाया करते हैं और मुझे ही लेकर आना पड़ता है। आपके बाबूजी यहाँ काम करते हैं? जी हाँ। कौन? ब्रिजमोहन शर्मा। ओ, मैनेजर साहब? जी नहीं, वो यहाँ के सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर? अच्छा अच्छा, अपने वो शर्मा जी जो यूनियन के मेंबर नहीं है। अच्छा मैं चलूँ, नमस्ते। नमस्ते। शर्मा जी क्या है? ओ, आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वो आपकी लड़की है, आपने मुझे बताया ही नहीं। कौन सी लड़की? वही जो अभी आपका खाना देने आई थी। ओ, आप सावित्री के बारे में पूछ रहे हैं? जैसा कहा है वैसा ही करना, गाना मत सुनने लगना और मौका देखते ही ठीक ठीक। जोड़ीदार कहाँ गए? वो काम से गए। बहुत अच्छा हुआ। फिर तो फुर्सत से होंगे। उस दिन आपने कहा था ना कि आप म्यूजिक कंपोज करते हैं, तो फिर हम आज आपका गाना सुनेंगे। अरे
तुम ऐसे बसे मोरे नैन, तुम ऐसे बसे मोरे नैन कि अब कछु सूझत नाही, हाय कि अब कछु सूझत नाही, तुम ऐसे बसे मोरे नैन, हाय तुम ऐसे बसे मोरे नैन कि अब कछु सूझत नाही, हाय कि अब कछु सूझत नाही। ऐसा खोया है तुम पे ये मनवा, आए हो जब से मोरे आंगनवा, ऐसा खोया, ऐसा खोया है तुम पे ये मनवा, आए हो जब से मोरे आंगनवा, जाने जाने दिन है किरण कि अब कछु सूझत नाही, हाय कि अब कछु सूझत नाही। गासा गम गासा पासा पासा रे गम धामा माने धामा साने धामा गा, तड़पत हूँ कब से अब ना तड़पाओ, प्यार से हंस के गरवा लग जाओ, तड़पत हूँ, तड़पत हूँ कब से अब ना तड़पाओ, प्यार से हंस के गरवा लग जाओ, ओरे ओरे जियरा के चैन कि अब सूझत नाही, है कि अब कछु सूझत नाही, तुम ऐसे है तुम ऐसे बसे मोरे नैन, तुम ऐसे बसे मोरे नैन कि अब कछु सूझत नाही, है कि अब कछु सूझत नाही। मेरा लॉर्ड अर्जुन का फर्नीचर, उधर देखे चल रहा ठीक से कर रहे। अरे नी ये तूने फुलदानी मार क्यों रखी, इधर लाके रख। अरे लगता है सुरमोहन अपना फर्नीचर वापस लेने आ गया। माँ जरा देख लो, अगर सुरमोहन है तो दरवाजा मत खोलना। सुरमोहन नहीं कोई और है। दीदी वही है क्या? अरे माँ ये तो बहुत खूबसूरत है। बैठा मम्मी बैठा बैठा इसको बैठा। नमस्ते शर्मा जी हैं? वो आते ही होंगे, बैठिए आप बैठिए ना। जाओ ना दीदी। नहीं बाबूजी को आने दो, आते हुए तुम्हारे लिए है ना, कब तक बैठे रहेंगे। मैं क्या बात करूंगी जाके, बात मैं खुद ही कर देंगे, हम जाओ तो सही। जरा हम भी एक सीन देखें, प्रेमी प्रेमिका से कैसे प्रेम निवेदन करना। आओ जाना
वेरी स्वीट। अरे क्या नाम है तुम्हारा? निरुपमा। निरुपमा, अरे इतनी सी बच्ची का इतना बड़ा नाम, छोटा नाम नहीं है? है। क्या? नी। नी। तुम्हारी बड़ी दीदी का नाम सावित्री है ना? है, वो सा मैं नी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सा और तुम नी, यानी रेगामा पादा भी है? है। अच्छा, इसका मतलब एक दो तीन चार पाँच छह सात बहने हो? हाँ। तुम मेरी बड़ी दीदी से शादी करने आए हो? शादी? किसने बताया तुम्हें? बाबूजी ने बताया था ना, इसलिए तो दीदी सज रही है। इसलिए तुमने भी लिपस्टिक लगाई है? हाँ। तुम बैठो, मैं देखती। अच्छा अच्छा। अरे अरे ये क्या? अरे आप आ गए, माफ करना मुझे देर हो गई, मैनेजर साहब ने मुझे रोक लिया था, मैं कह भी नहीं सका कि मैं आज ओवर टाइम नहीं कर सकता। ओवर टाइम? लेकिन फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक कोई आपसे जबरदस्ती ओवर टाइम नहीं करवा सकता, आपने उनसे कह क्यों नहीं दिया? मैं कहता, और मैनेजर साहब से। क्यों? आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? क्या वो हवा है? मेरे लिए वो हवा के बाप हैं। और ये आपको सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि आप यूनियन के मेंबर नहीं है, इस डर का सिर्फ एक इलाज है और वो ये कि आप फौरन यूनियन के मेंबर बन जाइए। और उसके बाद? और उसके बाद ये डर आपका बिल्कुल चला जाएगा। जी हाँ, और साथ में मेरी नौकरी भी चली जाएगी। नौकरी कैसे जा सकती है? और अगर अधिकारों की लड़ाई में नौकरी चली भी गई तो क्या? जी जी हाँ, यूनियन आपका साथ देगी। यानी यूनियन भी अपनी नौकरी छोड़ देगी? जी नहीं, यूनियन आपके अधिकार के लिए लड़ेगी। ऐसे एक मैनेजर तो क्या, हजारों मैनेजर भी अब मजदूरों का अधिकार नहीं छीन सकते। दुनिया के मजदूरों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर अपना खून बहाकर यूनियन का अधिकार पाया। आप एक बार मजदूर आंदोलन का इतिहास तो पढ़कर देखिए। अपने घर बार की चिंता छोड़कर मैं अगर आपका इतिहास पढ़ने गया तो मेरे खुद का एक इतिहास बन जाएगा जिसे कोई पढ़ेगा भी नहीं। मुझे माफ कीजिए, आप मेरे जिस समस्या के बारे में बात करने आए थे वो बात थी। अरे वही तो कर रहा हूँ शर्मा जी, जो समस्या आपकी है वही समस्या मेरी है। मेरी कुछ मदद करना चाहते थे ना आप? मदद ही तो कर रहा हूँ शर्मा जी आपकी। अगर आप राजी हूँ तो मैं फॉर्म ले आता हूँ, आप भर के मेंबर बन जाइए और फिर देखिए कि जिंदगी में आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई बात करनी नहीं है ना मुझसे? बाकी की बातें पीछे, यूनियन की बात आगे। तो आप आगे बढ़िए। आगे? हाँ हाँ आगे बढ़िए। इधर नहीं, उधर दरवाजे और चलो। अच्छा यूनियन चलिए सही। हाँ हाँ उधर। लेकिन शर्मा जी सुनिए तो सही, आप मेरी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो आप खामखा उत्तेजित हो रहे हैं, वरना मैं आपको समझा सकता। मैं साफ समझ गया, मुझे आप पर बड़ा तरस आता है। तरस? क्यों क्यों? आपने बिल्कुल गलत लाइन पकड़ी है। कैसे? आप अगर बीमा एजेंट होते तो बहुत अच्छा धंधा करते। तो मेरी बात आप समझ गए ना? मैं सब समझ गया, पहले आप यहाँ से जाइए, जाइए। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि मैं आपको एक दिन मेंबर बना के छोड़ू। अच्छा बना लेना भैया, जाइए पहले जाइए। बड़ा आया यूनियन का मेंबर बनाने निकाल दिया। मैंने तरह तरह के पागल देखे दुनिया में, पर ऐसा यूनियन पागल नहीं देखा जो शादी की बात करने आया था और यूनियन की बात करके चला गया। क्या शायद मेरे ही समझने में कुछ भूल हुई होगी। चलो चलो चलो। बेटी साहब क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं बाबू जी। तू फिक्र मत कर, जाने दे उसे, मैं तेरी शादी किसी बहुत अच्छे लड़के से करूंगा। क्या जरूरत है, मेरी शादी न भी हुई तो क्या? कैसी नहीं होगी, मैं गरीब जरूर हूँ पर ऐसे खत्ती के हाथ में अपने बेटी का हाथ नहीं दे सकता। मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो हर तरह से तेरे काबिल हो। नहीं बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? आप देखिए मैं चाय लेकर आती हूँ। लेकिन देखिए किसी को पता ना चलने पाया कि मैंने आपको गांव से मिलने के लिए यहाँ बुलाया, खासकर मेरे डैडी को, बहुत ही गुस्सेवर हैं वो। और बेचारे करें भी क्या, इतनी बड़ी कंपनी की जो जिम्मेदारी है उन पर। जरूर होगी, क्या करती हैं आपके डैडी? बुशेजी की फैक्ट्री देखी आपने? नहीं तो? उसी में मैनेजर है। अच्छा, तब तो बहुत बड़े आदमी होंगे। और क्या, क्या समझते हैं आप हमको? आप तो बहुत अच्छी हैं। जी मैं? जी नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। देखिए बात यह है, जब से मैंने आपकी बहन को देखा है मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, हमेशा ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ख्यालों में खोया रहता हूँ। ये सब बातें उसी से कहिए जाकर, वहां बैठी है वो, जाइए जाइए ना जाइए।
आप स्कूल में पढ़ती है ना? ये फंस क्या रही है? ऐसे ही आप मुझे रोज स्कूल में तो देखते हैं। हाँ, रोज स्कूल में देखता हूँ। अच्छा आप क्या लगा रखी है? आप मेरा नाम नहीं जानते क्या? जानता हूँ। गायत्री है ना? ये आप हाथ से क्या कर रहे हैं? जी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ हवा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल हवा नहीं है। चलिए थोड़ा टहलते हैं। हाँ जी, चलिए। तेरे उस गोवर्धन ने क्या बात की? कुछ नहीं कुछ नहीं।
फिर तुम लोग इतनी देर तक करते क्या रहे? कुछ भी तो नहीं। मत बता, जब हमारा मौका आएगा हम भी नहीं बताएंगे। मत बताना। अच्छा एक बात बता। क्या? देख सर बोला, उसने तुझे किस किया था? नहीं नहीं, वो करना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा किया। कुछ पढ़े लिखे जाने? पढ़ूंगा माँ बाद में। अच्छा देर हो गई, चल खाना लगा देती हूँ, खा ले। खा लूंगा माँ बाद में, छोड़ दे अपने पास पैक में दो ना। क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। नहीं माँ कोई बात नहीं, ऐसे ना। कौन सा गाना है रे? क्या गाना है माँ, आज ही सुना है। कहाँ? माँ वो एक लड़की गा रही थी। माँ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और बहुत शर्मीली है। शर्मीली? तुझसे ज्यादा शर्मीली? जो मारे शर्म के ये भी नहीं कह सकता कि किसी लड़की को पसंद कर बैठा है। तुम तो समझिए ना माँ। और नहीं तो क्या, माँ अपने बेटे को नहीं समझेगी तो भला और कौन समझेगा। अच्छा ये बता, तुझे वो लड़की कितनी पसंद है? माँ मुझे लड़की बहुत 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 पसंद है माँ। बहुत पसंद? बहुत पसंद? शादी करेगा? पगला कहेगा। अरे पहले ये तो बता वो लड़की कौन है, किसकी है? माँ वो बुशीडो की फैक्ट्री है ना, उनके मैनेजर की लड़की है। ओ मिनी, मिनी बेटी। यस डैडी। मिनी बेटी अरे जल्दी से अंदर चलो, एक देवी जी तुम्हें देखने आई। मुझे देखने आई है? हाँ। लेकिन क्यों? तुम्हारी शादी के लिए। मेरी शादी? हाँ हाँ। ओह नो डैडी, तुम मजाक कर रहे हो। अरे ये मजाक नहीं हकीकत है, मिस्टर एमडी मेहता यहाँ के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, उनका लड़का है इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसने तुम्हें पसंद किया है। मुझे पसंद किया? हाँ नाइस। लेकिन डैडी मैंने तो उसे देखा भी नहीं। अरे तुमने उसे नहीं देखा, उसने तुम्हें नहीं देखा, इससे क्या वास्ता? जाके जल्दी से कपड़े बदल के आओ। और देखो एक बात का ध्यान रखना, तमीज और तहजीब से बात करना, जी लगा के बात करना, उल जरूर बात न कर देना। बहुत से लड़के तुम्हें पहले ही देख कर ना कर गए हैं, ये लड़का हाथ से न जाने पाए। ओ डैडी आप फिक्र मत करिए, मैं जी लगा के बात करूंगा। उसने मुझे पसंद किया? उसने मुझे पसंद किया? हाँ नाइस। मिसेस मेहता यह है मेरी बेटी मिनी। नमस्ते जी। नमस्ते। मिनी बेटी तुम बैठ के इनसे बातें करो, मैं टेलीफोन करके अभी आता हूँ। कहिए मेरा फिगर कैसा लगा आपको? 35 25 36 वेट 115। बहुत खूब। ओ यू आर वंडरफुल, हाउ स्वीट ऑफ यू। ओह सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। अरे अरे ये क्या है? मेकअप कर रही हूँ जी। मेकअप इतनी अच्छी आपकी शक्ल, आप बिल्कुल बिना गुड़िया लगेंगी। गुड़िया? लाइए मैं आपके लिपस्टिक लगा दूँ। बस भी करो, अरे हो गया भाई। मैं आपको बिल्कुल मॉडल कर दूंगी जी, आप बिल्कुल शर्ली मैकलिन लगेंगी जी। माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? ओ माँ बताओ ना क्या हुआ? माँ गोवर्धन पहले तुम अपनी पढ़ाई लिखाई का सोचो। अच्छा अच्छे से इम्तिहान पास करो। हाँ। उसके बाद शादी का सोचो। ए बेबी ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं बस मैं अभी अभी आई हूँ। तो आओ किसी होटल में चलते हैं। किसी होटल में क्यों? अरे चल कर आराम से प्यार से बैठकर बातचीत करेंगे और एक एक ठंडा शरबत पियेंगे।
लेकिन मैं कोई ऐसे वैसे होटल में नहीं जाऊंगी। अरे बाबा मैं कौन सा तुम्हें ऐसे वैसे होटल में ले जाऊंगा, कम ऑन। मगर मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि क्या? तुम्हारा भी टेस्ट मेरी तरह ऊंचा है, बिल्कुल रॉयल क्लास का। जवां आ मेरी जान, दिल है जवां आ मेरी जान, क्यों मेरी आंखों को तरसाओ ना, आ जो आना है तो हमसे आ जाओ ना। अरे अरे रुक गई तू कहां, दिल है जवां आ मेरी जान, क्यों मेरी आंखों को तरसाओ ना, जो आना है तो हमसे आ जाओ ना। अरे अरे रुक गई तू कहां, या या दिल है जवां आ मेरी जान। अरे मुद्दत से ये आरज़ू है, आती मेरी राहों में तू, आती मेरी राहों में, मस्ती में लहरा के चलता, होती अगर बाहों में तू, होगी होगी किस दिन तू मेहरबा, या या दिल है जवां आ मेरी जान, क्यों मेरी आंखों को तरसाओ ना, आ जो आना है तो हमसे आ जाओ ना। अरे अरे रुक गई तू कहां, या या दिल है जवां आ मेरी जान। फिर मैं चूमता, हाय हाय कैसा होता समा, या या दिल है जवां आ मेरी जान, तू मेरी आंखों को तरसाओ ना, आ जो आना है तो छम से आ जाओ ना। अरे अरे रुक गई तू कहां, या या दिल है जवां आ मेरी जान। और मैं हूँ दिल थामे हुए, पड़ गई कैसी, कैसी मुश्किल में जा, या, या। दिल है जवां आ मेरी जान, क्यों मेरी आंखों को तरसाओ ना, हाँ जो आना है तो हमसे आ जाओ ना। अरे अरे रुक गई तू कहां, या, या। आप इस होटल में गाते भी हैं? गाता हूँ लेकिन जरा कौन है ये हबीस? जी मेरे दोस्त हैं प्रिंस। प्रिंस कहाँ के प्रिंस? राम करके। अरे होगा लेकिन वो क्यों तुम्हारा हाथ पकड़ के,
Please excuse us. Excuse me. Darling, shall we leave? Yes. Okay, bye-bye. Bye karta hai, aur upar se tum bhi karta hai. M-I-B-1-2-4. आ जाओ बाग में चलते हैं, बैठकर बातचीत करेंगे. कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम ऑन, आ जाओ, आ जाओ, बैठो बेबी, बैठो 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 बैठो. कौन था वो? कौन? अरे वही नालायक गवैया. ओ, मेरे पड़ोसी, बड़े ही मजेदार आदमी है. अच्छा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, हाथ हटाइए. डार्लिंग, मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ, मोहब्बत. पर मैं तो नहीं करती आपसे. अरे वक्त आ जाने तो तुम भी आहिस्ते आहिस्ते करने लग जाओगी, है ना. क्या मालूम, आप ही हाथ हटाइए. अरे आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो. मैं आपके इरादों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, आपकी चलाकी मुझसे नहीं चलेगी. हाथ हटाइए. ये हुई ना बात. बस मैं यही देखना चाहता था कि तुम किस टाइप की लड़की हो, और ये देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि तुम एक अच्छी लड़की हो. जरूर तुम्हारे रिश्तेदारों का किसी राजघराने से ताल्लुक होगा. और मैंने तुम्हारे बारे में माँ से भी बात कर ली है. वो तुमसे मिलना चाहती है. अच्छा? हाँ, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें किसी जौहरी के यहाँ ले जाऊँ और कोई अच्छा सा तोहफा पसंद करा लाऊँ. तोहफा किस लिए? हाँ, वो तुम्हें देना चाहती है. मुझे? हाँ, ये तो हमारे यहाँ का दस्तूर है कि हम जब किसी को दोस्त बनाकर अपने पैलेस में ले जाते हैं तो उसे कोई ना कोई तोहफा जरूर देते हैं. और तुम तो मेरी खास दोस्तों में से हो, और हो सकता है कल हम दोनों शादी भी कर ले, है ना? मैं कुछ नहीं जानती. अच्छा एक बात ये तो बताओ, माँ से तो मिलने चलोगी ना? और देखो तोहफा लेने से कभी इनकार मत करना. कैसे कर सकती हूँ अगर आपके खानदान का रिवाज ही यही है. डार्लिंग, यू आर सच अ स्वीट गर्ल. डार्लिंग, तुम कितनी प्यारी हो. मेरी चिकन टाटा, मेरी तंदूरी. कितनी सुंदर लग रही है. एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है. बहुत अच्छी लग रही है. अच्छी है ना? कपड़ा भी बहुत सुंदर है. मेरा बॉयफ्रेंड भी तो आखिर प्रिंस है, वो मुझे कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी ला के देगा. अरे वाह, मेरे पास भी ऐसा फ्रॉक होता तो कितना अच्छा लगता. जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना तो मैं बोलूंगी इससे भी अच्छा फ्रॉक मुझे ला के दे. इसको अभी बात दिन है बेटी. लेकिन रे, ये बात अच्छी नहीं. क्या? यही किसी अनजान आदमी से कुछ लेना. जानती हो, जब कोई कुछ देता है तो उसके बदले में कुछ पाना भी चाहता है. ओहो दीदी, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो. वो मेरा दोस्त है और पैसे वाला, अगर मेरे पे कुछ खर्च करना चाहता है तो मैं क्यों रोकूं उसे. बोला, मैंने उनको बोल दिया. अरे दीदी अब भी आ रही हैं. थैंक यू, मेंशन नॉट. अंकल आप बेकार कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. क्यों? पेट्रोल है, पानी है, ऑयल है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं गाड़ी स्टार्ट होगी? आपके ऊपर वाले अंकल है ना, वो आपकी गाड़ी पे नजर लगा रहे हैं. है? हाँ, उनकी नजर बहुत खराब है अंकल. मैं अभी जाकर उसकी नजर उतारता हूँ, अभी जाकर. क्यों रे डब्लू टिकेन? क्या रे डल्लब, मेरी गाड़ी को नजर लगाता? अरे ऐसे खटारे को कौन नजर लगाएगा? फिर ये क्यों नहीं स्टार्ट होती? अरे ये खटारा ऐसा थोड़ी स्टार्ट होएगा. कैसे होगा? चलो तो दिखाता हूँ. चलो देखो, अगर गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया, मैं बंदेला नहीं हूँ. चल 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 चल. एक दो तीन. क्या बात, सुनो ना. आओ ना. अरे रे रे रे, कहाँ लिए जा रहे, कहिए ना क्या कहना है. आप ये सुनने की फुर्सत नहीं मुझे, छोड़िए. मगर ठहरो तो मैं गा कर बोलूंगा, पर दिल की सुना कर छोड़ूंगा. सुनाइए.
मेरी आंखों में नींद नहीं कल से, बेचैन हूँ इस हलचल से, जब तक तुमसे कह लेता नहीं ये कांटा निकलता नहीं दिल से। क्यों, ऐसी क्या बात है? कल मैंने एक सपना देखा था, उस सपने में तुम थी और मैं था। कल मैंने एक सपना देखा था, उस सपने में तुम थी और मैं था। रंगीन सुहाना मौसम था, क्या मौसम था मौसम का, लेकिन कल सपना टूट गया। ओए हाय, लेकिन कल सपना टूट गया। तुम कहीं किसी के साथ साथ, मैं मलता ही रह गया हाथ। क्यों साथ हमारा छूट गया। अच्छा तो आप प्रिंस की बात कर रहे हैं, क्यों मैं कल उसके साथ चली गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गैर के साथ नहीं सैर को जाना अच्छा, होगी बदनामी नहीं है ये जमाना अच्छा। गैर के साथ नहीं सैर को जाना अच्छा, होगी बदनामी नहीं है ये जमाना अच्छा। ओ मैं समझ गई, कल आपने मुझे प्रिंस के साथ जाते देख लिया तो अब आपको जलन हो रही है। हाँ हाँ मुझे जलन है फिर भी बात सच्ची, हाँ मुझे जलन है फिर भी है बात सच्ची। उस आदमी की सूरत आई नजर न अच्छी, हाँ उसकी खातिर न मेरे दिल को जलाना अच्छा, उसकी खातिर न मेरे दिल को जलाना अच्छा। होगी बदनाम नहीं है ये जमा सजा जमाना अच्छा। कितनी बड़ी रियासत का प्रिंस है वो मालूम है आपको? देखा नहीं कितना हैंडसम है, ना जाने कितनी तो कारें हैं उसके पास। अरे का कारे तो बीसियों मेरे मेरे डैडी के पास हैं। होंगी मगर आपके पास तो एक ट्राईसाइकिल भी नहीं है। बोलो तो ले आऊं, बोलो तो ले आऊं, जिस मॉडल की जैसी चाहो लाकर मैं दिखलाऊं, बैठा कर तुम्हें घुमाऊं, बंबई की सैर कराऊं। तुम बोलो तो ले आऊं, लाऊं आऊं। हाँ तो लड़का कैसा है? जी लड़का हीरा है, हीरा, मैंने सब पता लगा दिया है। क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। ठहरिए मैं अभी आपको डायरी से सब कुछ बता देता हूँ। लो सुनिए, नाम गोवर्धन मेहता, वर्ग मथुरादास मेहता, उम्र 22 साल, थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। विरासत में बाप से 30 लाख की जायदाद मिली है, हिस्सेदार कोई भी नहीं है। 30 लाख, वेरी गुड। लड़का देखने में कैसा है? अजी देखने में नहायत ही खूबसूरत नौजवान है, बहुत ही सादा और शरीफ लड़का है, लेकिन हाल ही में एक लड़की से मिलना जुलना शुरू हो गया है। मेरा मतलब है मोहब्बत हो गई है। कौन है वो? अजी लड़की का पता लगाने को तो आपने कहा ही नहीं था, उसकी फीस अलग होगी। फीस दे दी जाएगी, पता लगाइए। अजी पता लगाया हुआ है, लड़की का नाम गायत्री है, खार में रहती है, मांडा की नहीं 15th फ्लोर सेकंड फ्लोर, और उसका बाप आपकी फैक्ट्री का सुपरवाइजर है। लेकिन गोवर्धन समझता है कि वो मैनेजर है। नाम बीएम शर्मा है ना। बीएम शर्मा? ओह अब समझा उसकी मां से क्या भूल हुई है। लेकिन ऐसा अच्छा लड़का मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मेरी लड़की मिनी की शादी उसी के साथ होगी, और फिर उसकी मां ने वचन भी दिया है। 30 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। बेशक बेशक, यह बात किसी को मालूम ना होने पाए, अपना मुंह बंद रखना। खाली मुंह तो बंद नहीं रह सकता मालिक, अलबत्ता भरा हुआ मुंह बंद रहेगा। ठीक है ये लो और मुंह बंद रखना। मुंह बंद बंद बंद। हेलो ऑपरेटर, फैक्ट्री में इसे बीएम शर्मा को भेज दो मेरे कमरे में। हाँ शर्मा बाबू। क्यों भैया मारुति, आज मिजाज कैसे है? मिजाज माने साहब का ना? अरे आज तो मिजाज साहब का कुछ समझे में नहीं आ रहा है राम जी की कृपा से, बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं। कुछ नाराज है क्या? नाराज? नाराज माने बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। चिड़िया घर में जैसे शेर टहलता रहता है ना, उसी तरह से साहब अपने टहल रहे हैं भीतर। अरे जाओ जाओ जल्दी जाके अंदर देखो ना। हे भगवान आज तो मेरी खैर। जल्दी जाओ नहीं तो साहब और बिगड़ जाएंगे। जाओ मेरी रक्षा करो दीनानाथ।
मुसलमान ही होता है। आइए आइए शर्मा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आइए 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 तशरीफ लाइए, आइए आइए तशरीफ लाइए जी। हाँ हाँ, ये कुर्सियां आप ही लोगों के लिए हैं, बैठिए बैठिए तशरीफ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ हाँ सिट डाउन सिट डाउन, कोई बात नहीं बैठिए। सिगरेट तो पीते हैं ना आप, लीजिए लीजिए लीजिए। शर्मा जी, मालूम होता है आप अच्छी सिगरेट पीने के आदी नहीं हैं। सर मैं गरीब आदमी हूं, कीमती सिगरेट कहां से पी सकता, मुझे तो घर चलाना ही मुश्किल है। काफी बड़ी फैमिली है आपकी। हाँ सर, मेरी सात बेटियां हैं। काफी जिम्मेदारी है आप पर। शर्मा जी, आपकी कोई लड़की नौकरी वगैरह भी करती है? नहीं सर, बड़ी लड़की नौकरी की कोशिश करती है, वो शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग सीखने जाती है। सर इसके माने हैं घर में रोजगार करने वाले आप अकेले ही आदमी हैं? यस सर। शर्मा जी जी, अगर ऐसे में आपकी नौकरी छूट जाए तो क्या होगा? नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं और मेरी बेटियां भूखे मर जाएंगे सर, मैं आज और तो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो यही कह दिया, बैठिए बैठिए बैठिए। शर्मा जी जी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, आपने 35 साल इस कंपनी में नौकरी की है, आप अच्छे मेहनती और ईमानदार आदमी हैं, मैं भला आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ? बड़ी मेहरबानी आपकी। शर्मा जी, एक बात पूछनी थी आपसे, आपकी किसी लड़के की जान पहचान गोवर्धन मेहता नाम के किसी लड़के से है क्या, जिसका बाप बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था? जी हाँ, मैंने सुना है वो गायत्री से मिला जुला करता है, पर आपको कैसे मालूम हुआ सर? मुझे कैसे नहीं मालूम होगा, उसी लड़के से तो मैंने अपनी लड़की की शादी तय की है। शर्मा जी, आप अपनी लड़की से कह दीजिए कि उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे, और उसे ये भी बता दीजिए कि बुश कंपनी का मैनेजर मैं हूं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और फिर आप सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, समझे? अब आप जा सकते हैं। आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं ला सका। नहीं बेटा, कुछ नहीं है मेरे पास, जा जा पढ़ो। क्यों बाबूजी, आज आप जल्दी आ गए? हाँ बेटा, जरा कुछ तबीयत ठीक है। बुखार है? नहीं बुखार बुखार कुछ चला। अरे वाह, आज तो दोनों बहनें एक साथ पढ़ रही हैं। अरे वाह शाबाश शाबाश। बिटिया रेखा, जरा तू उस कमरे में जा, मुझे इससे कुछ बात करनी है। अरे मेरी रानी बिटिया कितनी अच्छी है, इस साल भी फर्स्ट आएगी ना? जी हाँ। शाबाश। अरे इसीलिए तो मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ बेटी। एक बात कहूँ? ये शाम से कह रही थी कि तेरी किसी एक लड़के से जान पहचान हुई है और वो तुझसे शादी भी करना चाहता है। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था, लेकिन बेटी एक मुसीबत खड़ी हुई है। क्या हो गई? वो हमारे मैनेजर साहब, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। क्यों? वो नहीं चाहते हैं कि मैं तेरी शादी इस लड़के से कर लूं। हमारे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर इस उम्र में मेरी ये नौकरी चली गई तो मुझे दूसरी नौकरी कहां मिलेगी, तुम सब बच्चों को लेकर सड़क पर जा खड़ा रहना पड़ेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हमारी क्या दुर्दशा होगी, तुम सब बच्चों को लेकर मुझे गली गली भीख मांगना होगा। बेटी इस वक्त सिर्फ तू एक है कि जो हम सबको बचा सकती है। मुझे गलत मत समझना, तू मेरी एक बात मानेगी? कहिए। तू उस लड़के से मिलना छोड़ दे, अपने बाबूजी के लिए, अपनी 6 बहनों के लिए,
इतना तो नहीं कर सकेगी क्या? करूंगी। शाबाश शाबाश, जीती रहो। लेकिन बाबूजी, आज सिर्फ एक बार मैं उनसे मिलूंगी, आखिरी बार, फिर कभी नहीं। गायत्री, गायत्री। एक बात पूछूं? बोलो ना। साची कहो मौसी पालम्मा, साची कहो मौसी पालम्मा, कल को रोके जो ये जहां, क्या फिर भी सजना हो हमसे प्यार करोगे? जब तक मोहब्बत है मेहरबान, कैसे रोकेगा ये जहां? हम तो है जाने जाओ, तुमसे प्यार करेंगे, ओ तुमसे प्यार करेंगे। साची कहो मौसी। सनम तड़प तड़प तेरा इंतजार करेंगे, जब तक मोहब्बत है मेहरबान। साची कहो मौसी पालम्मा। सनम मचल मचल तेरी ही पुकार करेंगे, साची कहो मौसी पालम्मा। जब तक मोहब्बत है मेहरबान, कैसे रोकेगा ये जहां? क्या फिर भी सजना हो हमसे प्यार करोगे? हो तुमसे प्यार करेंगे, हो हमसे प्यार करोगे, ओ, तुमसे प्यार करेंगे। गायत्री, गायत्री, गायत्री।
आपने हमारी दुकान का नाम तो सुना होगा, किशन चंद दौलतराम, 100 साल पुरानी दुकान है। ये देखिए ना, और डालेंगे, ये भी रखो, ये भी देखिए, हमारे मैनेजर, और कुछ दिखाइए ना, डालेंगे भी रखो। इतने सारे सेवर डालेंगे, तुम्हें प्रिंस की होने वाली मंगेतर हो। प्रिंस? जी हाँ, आपने रियासत रामगढ़ का नाम सुना है? रामगढ़, मैं वहाँ का प्रिंस हूँ, और ये मेरी होने वाली राजरानी रेखा रानी। राजरानी रेखा, हाउ नाइस। आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया कि रॉयल फैमिली के मेंबर के दर्शन हो गए। बॉय, दो कोको कोला। आप सिगरेट पिएंगे? पीता नहीं। ऐसा सेट आपको आखिर मुंबई में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पुरानी कारीगरी। अच्छी बात, अच्छी बात। डालेंगे भी रखो, आखिर माजी के लिए तो कुछ चॉइस चाहिए। माजी का मेरा मतलब है राज माता। पेमेंट आपको चेक से दे दूं या कैश चाहिए आपको? जी कैश मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, सुबह सुबह बोनी कटना है। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, आप अपने आदमी को मेरे साथ भेजिए, मैं उसे पैलेस ले जाऊंगा और कैश दे दूंगा। जी नहीं, मैं खुद लेकर चलूंगा। एक पंत तो काज, राजमाता के दर्शन भी हो जाएंगे और इसी बहाने राजमहल भी देख लूंगा। ओह वेरी गुड, तो चलिए। जी कमाल डालिंग, कमाल लक्ष्मी, स्वीट हार्ट में हो क्या तुम? बड़ी चार दीवारी 10 मील की है। होगी साहब, होगी जरूर। माजी क्या कर रहे? माजी पूजा पर बैठे हैं। पूजा पर बैठे हैं तो ठीक है, तो ठंडा कोकला लेके आओ लोगों के लिए। बिल्कुल ठंडा। ओके भाई साहब जी, मेरे दिमाग से निकल गया कि आज मंगलवार है, तो माजी पूजा में बैठी है तो 2 घंटे तो लग जाएंगे। 2 घंटे? हाउ नाइस। मैं तो दुकान खुली छोड़कर आया हूँ, मुझे बहुत देर हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, जाकर 2 घंटे के बाद फिर आए। कमाल करते हैं आप, जाएंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे, इसमें कितना वक्त जाओ। वो तो है जी। माँ जी तो पूजा से उठ नहीं सकती जी, बिल्कुल, लेकिन मैं तो उनके पास जा सकता हूँ ना। बिल्कुल, आप ऐसा कीजिए, ये जेवरात मुझे दीजिए, मैं ले जाकर उनको दिखा लाता हूँ, जो पसंद आ जाएंगे आपको पैसे दे देंगे, और जो पसंद नहीं आएंगे आपको वापस कर देंगे। कहीं बदल है ना ये, कमाल करते हैं आप, बेहतर से भी तर होगा। तुरंत दान महाकल्याण दे देंगे। तो ठीक है, मैं तुरंत दान और महाकल्याण करके आता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी दा बेबी। Darling, नहीं आया। हाउ नाइस है। आपका नाम रेखा देवी है ना? जी। हाउ नाइस। आपके पिताश्री भी कहीं के राजा महाराजा ही होंगे? जी नहीं, वो बुश कंपनी के मैनेजर हैं। बुश बैरन, हाउ नाइस, वाह 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 वाह, वो भी बड़े आदमी हैं, वो भी बड़े आदमी हैं, तभी तो प्रिंस के साथ हो रहा है। एक गुजारिश है। कहिए। आपके सासू के आशीर्वाद के पहले जेवर मैंने दिए हैं, और आइंदा भी ख्याल रखिएगा कि मैं ही दूं, पहला हक मेरा है। जब भी जरूरत पड़े फोन कीजिएगा, 3322200 फौरन हाजिर हो जाऊंगा। अब बिलों की पेमेंट आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, दाम एकदम वाजबी और माल चोखा, 100 टचनू सोनू, गुजराती लैंग्वेज है, आप याद रखेंगे? जरूर याद रखूंगा। हाउ नाइस है। ये कमाल क्यों इतनी देर कर रहे हैं, दुकान खुली छोड़कर आया था। बहरा जी जी, माँ जी को जाकर कहिए पहले मेरा काम निपटा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जी बहुत अच्छा, अभी खबर करता हूँ। हाउ नाइस है। कोको बोला। वाह, नगीने की कटिंग ठीक नहीं है, वरना क्या झलक मारता। माफ करना महाराज। कितना बार मना किया तुम लोगों को, जब मैं पूजा पर बैठी हूँ कोई मुझे नहीं बुलाएगा। कौन है, कौन आया?
your age? 17. नहीं नहीं नहीं, बहुत कम उम्र है. इस उम्र की लड़कियां चार दिन काम करेगी फिर किसी छोकरे के साथ भाग जाएगी. इसीलिए मैंने पेपर में दिया है कि मुझे बड़ी उम्र की आया चाहिए, 30 साल की. तुमने पढ़ा नहीं पेपर में? राजमाता जी, आप शायद गलत समझ रही हैं. गलत क्या मतलब? ये मतलब ये कि ये आया नहीं, ये रेखा देवी है. रेखा देवी आपकी होने वाली बहू. बहू? क्या बक रहे हो तुम? जी अभी अभी कुमार साहब ने यही बताया. कुमार? जी हाँ, आपका बेटा. मेरा बेटा? तुमको कहाँ मिला? Since 6 months he's in England with his wife. उसका एक 8 साल का लड़का है मेरे पास. उसी के लिए तो मुझे आया की जरूरत है. हाँ? लेकिन लेकिन वो जो अभी अभी मुझे लेकर आए, बोले आपको गहने पसंद करके अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद देंगी, वो सब 10 लाख के जेवर थे राजमाता जी. हो सकता है आपका छोटा बेटा हो. पागल हो तुम? मेरा तो सिर्फ ये ही बेटा है, उसके अलावा और कोई नहीं, ना बड़ा ना छोटा. तो फिर खोटा होगा, 10 लाख के जेवर लेकर राजमाता जी अभी अभी ऊपर गया. कौन ऊपर गया? मैंने तो किसी को नहीं देखा. डेरा कौन था? जी वो जो आए थे पीछे के सीढ़ी से उतर के अपने गाड़ी में बैठ के चले गए. गाड़ी में बैठ के चले गए. राजमाता मैं तो टूट गया. मेरा सासू, मेरा कोई दूर ही ना पति के झूलते से पाला पड़ गया. राजमाता सारे पैसे का कोको बुला बुला के 10 लाख लूट के ले गया. अरे तू कमा ना ले मेरे 10 लाख का बलिदा बना कर चले जा. मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दीजिए. मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दीजिए. मैं तुम्हें छोड़ दूं? इतनी भोली वाली शक्ल, इतनी धोखेबाज हो सकती थी? मुझे मालूम नहीं था. मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा. जब तक मेरे जेवर नहीं निकले तो मैं तुम्हें कभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला. आपकी बात सही भी हो सकती है, मैं मानता हूँ, मगर कानून तो नहीं मानेगा कि आपकी बेटी बगैर जाने बूझे इस साजिश में शामिल हो गई थी. सच्ची बात तो तभी मालूम हो सकती है जब आपकी लड़की का वो साथी पकड़ा जाएगा. तब तक हम आपकी लड़की को नहीं छोड़ सकते. मगर इंस्पेक्टर साहब, 10 लाख रुपए का मामला है तो मामूली बात तो है नहीं. जाइए अपनी बेटी से मिल लीजिए. 10 लाख. रेखा रेखा, ये तूने क्या किया? ये सब कैसे हुआ? किस चक्कर में पड़ गई थी? भाभी जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ. मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे इस तरीके से धोखा दे जाएगा. मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था वो अच्छा आदमी नजर नहीं आता, लेकिन तुम आने नहीं. एक अनजान आदमी से मेल जोल बढ़ाने से पहले तूने ये भी नहीं सोचा कि अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो क्या होगा? तेरी 6 बहनों का क्या होगा? तेरे इस बूढ़े बाप का क्या होगा? अब लोग मेरी तरफ उंगली उठाकर कहेंगे कि इस आदमी की लड़की चोर है. तब ये बदनामी से मैं कैसे बचूंगा? अरे चोर कहलाने से तो भिखारी कहलाना फिर भी अच्छा होता है. बाबू जी मुझे माफ कर दीजिए, कभी ऐसा नहीं करूंगी. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यहाँ से ले जाइए बाबू जी. रेखा रो मत रेखा, उससे किसी के आंसू देखे नहीं जाते. तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छुपाऊंगा. चलो नाश्ता कर ले, स्कूल के लिए देरी हो रही है. गायत्री उठो. गायत्री गायत्री ओ गायत्री, क्या हो गया तुझे आज? उठते क्यों? गार्डन नहीं क्या? बाबूजी की सारी नींद की गोलियां खा ली. गायत्री ये क्या किया तूने? जहर क्यों खाया? ओ गायत्री 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 ये क्या किया तूने? गायत्री
शादी थे? जी। कुछ नहीं। मिस्टर शर्मा आइए अंदर। बेटा गायत्री, भगवान का शुक्र है इस लड़की की जान बच गई। आपने मुझे क्यों बचाया डॉक्टर साहब, क्यों बचाया, क्यों बचाया? ये क्या पागलपन है का, ये क्या कह रही है तू? नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैं मर ही जाती तो अच्छा था। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कह। बाबूजी, मैं आपका कहना मानना चाहती थी, लेकिन आपकी बात मानने के लिए इसके सिवा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। समझ गया बेटी, मुझे मान। मैं नहीं जानता था कि तू उस लड़के को इतना चाहती है। मैं कितना बुजदिल हूँ, कितना स्वार्थी हूँ। एक नौकरी के लिए मैं इतना डरता था। मैं समझता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम सब बहनों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही नहीं समझ पाया कि तुम सबकी खुशी किस बात में। आज मेरी आंखें खुल गई, अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तेरी खुशी छीनने से तो मैं रास्ते पर भीख मांग लू। अरे ठहरो शर्मा बाबू ठहरो, आज तो साहब का मिजाज बहुत ही खराब है। राम जी की कृपा से ना खराब है ना, रहने दो। मिस्टर बीएम शर्मा, मैं आपकी नौकरी की परवाह नहीं करता। मुझे रास्ते पर भीख मांगना मंजूर है, पर आपकी नौकरी की खातिर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं उसकी शादी उसी गोवर्धन नेता से करूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए, समझे आप? शर्मा, मालूम होता है होश में नहीं हो तुम। जी नहीं, अब होश में आया हूं। मुझे पता चल गया है कितने कमीने आदमी है आप। ऑपरेटर, स्टेनो को कमरे में भेज दो। किसी को इस तरह नहीं निकाल सकते, और यूनियन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें यूनियन का क्या आता जाता है? बीएम शर्मा यूनियन का मेंबर है क्या? ना सही, लेकिन मजदूर तो हैं, और मजदूरों की रक्षा करना यूनियन का कर्तव्य है। सर, अगर शर्मा जी निकाल दिए गए तो यूनियन मजदूरों की हड़ताल करवा देगी। ये बात है तो मैं भी देख लूंगा, एक एक को चुन चुन के बाहर निकालूंगा। नाउ गेट आउट बोथ ऑफ यू। आप सोच लीजिए सर। आई से गेट आउट, गेट आउट। गोरा सा लंबा सा घुंघराले बाल है और देखने में काफी स्मार्ट लड़का। अरे वो तो नहीं जिसकी आवाज कुछ बैठी बैठी सी? बिल्कुल सुरा है। हम उसे देखते ही पहचान लेंगे, मुमकिन है वही आदमी हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। बताइए ना कहाँ है वो? कहाँ है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ दिन हुए हमने ऐसे एक नौजवान को टेम्पोररी ड्राइवर रखा था, लेकिन परसों शाम से गायब है। तब तो कोई है। अच्छा, उस दिन वो आपकी कोई बड़ी सी गाड़ी लेकर गया था? MRT 124। हाँ, अपनी गैरेज की गाड़ी है। वो क्या खड़ी है सामने? वो ये तो वो ही है। अच्छा, आपके पास उसका पता तो जरूर होगा। सॉरी, पता तो नहीं है भाई।
अरे तो ये लंबी नाक किस दिन काम आएगी? सूंघ ले। देखिए हम ये आपकी गाड़ी देख सकते हैं एक मिनट के लिए, इफ यू डोंट माइंड। हाँ जाइए, उस दिन से ऐसे ही पड़ी है, जाइए। चल चल। मिल गया, इवनिंग इन पेरिस। सेंट सेंट भी लगाया था। हाँ, चचुंदर के सर में चमेली का तेल। बदबू भी है, तीन दिन से नहाया नहीं। डर्टी तू तू तू। गुरु यहां रुक के ये पिया था। अरे क्या पिया था, क्या खाया था, उससे गरज नहीं है, वो गया किधर? अरे भैया उधर क्या सारी बोतलें सूंघ रहे हो? भरी बोतलें तो इधर हैं, इधर आओ ना। अजी उन बोतलों को वहीं रहने दो, खराब हो जाएंगी। चलो चलो। इधर क्या सूंघ लिया? इवनिंग इन पेरिस। इवनिंग इन पेरिस तो कोई भी लगाता है, लड़की है। अरे तुम समझते नहीं हो गुरु, वो दूसरी महक भी है। हाँ हाँ। अरे तो बोलो। बकवास बंद कर, पहले तो पुलिस को पीछे लगा दिया, अब क्या जल्दी भिजवाएगा?
नहीं गुरु, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो आदमी इसी बिल्डिंग में है। लगाओ शट। कोई आ रहा है। क्या ये हमें सुनते सुनते पीछे आ गई? अनीता क्या तू समझता है? तू नहीं सुन सकता है? गुरु, वो लड़की हमें सुन के नहीं आई थी, चली गई। लेकिन उधर किधर गई? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिधर ये लड़की गई वो प्रिंस का बच्चा भी वही होगा। गुरु, आदमी की आंख ठोका खा सकती है, मेरी नाक नहीं। अरे तेरी नाक पर तो मुझको भी भरोसा है। चल चल। अभी वो जो लड़की आया वो इसी फ्लैट में गया? हाँ, लड़की लाता, लाता साहब उसका नाम, लाता इस फ्लैट में गया है। मतलब कौन रहता है? कोई नहीं रहता साहब, वो प्लेयर लोग आता है और प्लेयर लोग जाता है और वो अपना पैसे का वादा करा हुआ है। अच्छा, हाँ क्लब है। थैंक यू वेरी मच। अरे तेरे को क्या करने का, अपना हो गया धंधा, तेरा पास मेरा पास, जल्दी जाओ। माफ करा, मैं जरा गेटली में लिया है, गेटली में लिया गेटली में। कौन हो तुम? माल है ये? बहुत 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 बहुत। 3 में या 13 में? वो तो 3 है, वही तो चाहिए। थैंक यू। मेरे तो वही है, मगर उसने अगर हमको देख लिया तो वो तो भाग जाएगा। तो मारना है तो आर में मार। 1 2 3 1 2 3 क्या
क्या मारा है भाई को? ये सब छोरा था, मैं अभी बताता हूँ। दे अब गोला देख, दादा दादा कर ला, हम तुम दोनों बैठ के पी ले, गुड़गुड़ गुड़ाम भाई, गुड़गुड़ गुड़ाम भाई, गुड़गुड़ गुड़ाम भाई। हाँ जेम्स बॉन्ड आई गिव अप, गिव अप। इसी वक्त मिलना मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो हुआ करे, अभी उनके पास पुलिस अफसर आके बैठे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते समझे, तो मैं उन्हें बाहर बुला लेता हूँ। कौन है आप? आप है मिस्टर शर्मा? जी हाँ मैं हूँ मिस्टर शर्मा, यहाँ का मैनेजर। मैं आप इसे मिलने आया था। इसने आपको बताया नहीं कि मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है? मैंने भी इससे बता दिया कि मुझे भी फुर्सत नहीं, आपसे जरूरी काम है, अंदर चलिए। काम धाम इस वक्त सब बंद है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। आपके काम धाम बंद होने पर ही मेरा काम धाम शुरू होता है, समझे आप? क्या बकवास लगा रखी है आप, समझते क्यों नहीं? कह दिया आपसे तशरीफ ले जाइए, ये क्या बदतमीजी है? इस कंपनी के चेयरमैन कौन है आप जानते हैं उन्हें? मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। कौन है? सेठ घनश्याम दास चौधरी। आप उनसे मिले? आपको इससे मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि आप उनसे नहीं मिले। सो व्हाट, वो इतने बड़े आदमी हैं, पचासों कंपनी हैं, वो आपकी तरह अरे गरे नथु खरे नहीं है जो लोगों से मिलने के लिए बैठे रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके पास इतना वक्त ही कहाँ है। आपसे कह दिया आप यहाँ तशरीफ ले जाइए, फौरन इस दफ्तर से निकल जाइए। मिस्टर शर्मा फिलहाल तो आपको यहाँ से बाहर जाना है। भला मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि अभी अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि आपने एक बेगुनाह को क्यों निकाल दिया और इस कंपनी को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया। आप कौन होते हैं ये कहने और समझाने वाले? आप अभी यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आइए आइए सक्सरिया साहब, आपके मैनेजर तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, समझ रहे मैं कुल्लू का पट्टा हूँ। कह दीजिए मैं कौन हूँ, आपने बताया नहीं इनको? अरे बताने का मौका दे तब तो बताऊँ। शर्मा जी अब इनको नहीं पहचाना? जी नहीं। रही तो हमारा चेयरमैन चौधरी साहब। जी हम पहचानेंगे कैसे, चौधरी साहब चार साल से तो घर से ही नहीं निकलते। लेकिन देखिए इनकी सूरत क्या बिगड़ती चली जा रही है। आप आइए। शर्मा जी हैं घर पे? आप बैठे मिलिए। आइए। कौन है? आइए। आप कैसे? मेरा तो कंपनी से कोई संबंध नहीं है, बस मेरी बेटी बच जाए मैं अपने गांव चला जाऊं। कैसी आपकी बेटी? अभी तो बहुत कम ताकत है, चल फिर नहीं सकता। शर्मा जी ये अपनी कंपनी के चेयरमैन साहब हैं श्री घनश्याम दास चौधरी। सर आप पहली बार मेरे गरीब के घर आए हैं, मैं अपने को बड़ा भाग्यवान समझता हूं। ठीक है पहले चलिए आपकी बेटी बताइए। आइए सर। अरे बच्चों देखो अपने घर में कौन आएगी, आप हमारे कंपनी के चेयरमैन साहब हैं। सावित्री सब बच्चे ही मेरे समझते करो। जी
वो लड़की कौन सी है? वो सही है। तो बेटी लेटी दो, लेटी दो। कैसी तबीयत है? तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे इन लोगों ने सब कुछ बता दिया। बाकी मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी जो हमारी कंपनी के बहुत अच्छे और पुराने कर्मचारी, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। दरअसल उन्हें मैनेजर तो क्या, मैं भी नहीं निकाल सकता। शर्मा जी, कंपनी ने आपकी तरक्की मंजूर कर ली है और अब आप हेड सुपरवाइजर अपॉइंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप खुशी से अपनी बेटी के साथ उनके बेटे की शादी कर सकते हैं। आप? मैं हूँ मिसेस मेहता और ये है मेरा बेटा गोवर्धन। ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और आपकी बेटी ने ही इसे बताया था कि आप बुश कंपनी के मैनेजर हैं, इसलिए मैं वहाँ पहुँच गई। नहीं माँ, ये बात इसने नहीं बताई थी। तो शायद ये रे का ही काम होगा। रे? रे क्या? वो मेरी दूसरी बेटी है सर। कौन है इनमें से? वो इस वक्त यहाँ नहीं है, पुलिस के हवालात में बंद है। तो क्या हुआ? क्या बताऊं सर, मुझ पर तो सारी मुसीबतें एक साथ आ पड़ी। अरे ये क्या हो गया देखो? हमने उस कमीने और दगाबाज प्रिंस को गिरफ्तार करवा दिया और आपकी बेटी को सही सलामत वापस ले आए। अच्छा किया बाबा, माफ कर। उल्लू का पट्टा, चार साल से गायब है। जानते शर्मा जी कौन है? ये मेरा इकलौता बेटा, चार साल से घर से भागा हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाँ हाँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगा, आपका कारोबार नहीं संभालूंगा, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन करूंगा। अरे अरे, मैं अकेला नहीं, मैं सीधा सीधा बोल गया। तुझे सीधे सीधे घर जाना पड़ेगा, समझा? हाँ। हाँ तो शर्मा जी, यही है वो लड़की? हाँ सर, यही मेरी रे है। ऐसा कैसा नाम रख दिया आपने रे? सर मेरी सात बेटियां हैं, इसलिए मैंने सुरों में बांध दिया है, सारी का मतलब। समझा समझा, अच्छा किया आपने। चलो आपकी चिंता तो दूर हुई। अब वो उसका क्या नाम है? ग। सारे ग। वो उसकी शादी जल्दी से कर दीजिए। सर ये तो और भी चिंता की बात होगी। क्यों? उसकी मैं शादी कर दूं और उसकी दो बहनें कुंवारी रह जाए, ये कैसे हो सकता है? उनकी भी शादी कर दीजिए। बेटी तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। लेकिन बाबूजी, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। कहाँ का इंतजार? मैं रे से शादी करूंगा। रे मेरी जिंदगी है, वो मेरा सुर है। रे रे क्यों बेटी, तुम इससे शादी करोगी? करेगी। लेकिन जब हकला आ गया, इसी तरह चांटे लगाने पड़ेंगे। अरे ये नहीं चलेगा, मार। अब शर्मा जी, मैं एक बात कहूँ आपसे। यूनियन की बात तो नहीं करोगे? नहीं, बात तो यूनियन की है, मगर ट्रेड यूनियन की नहीं। तो फिर? ओ, फैमिली यूनियन की। मैं आपकी बड़ी बेटी सावित्री से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद हो तो। लीजिए शर्मा जी, अब तो आपकी सारी चिंताएं दूर हुई। सर अब तो बहुत बड़ी चिंता पैदा हो गई है, तीन बच्चियों की शादी में एक साथ कैसे कर सकता हूँ। इसकी चिंता आप न कीजिए, ये चिंता कंपनी करेगी, आपको लोन देगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।